पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा मयूरभंज के बाली मुंडली में 33.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अगर हम बात करें हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की तो बोध में 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 34.9 डिग्री सेल्सियस और कटक का 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मैक्सिमम तापमान। मैक्सिमम तापमान अभी भी इंटीरियर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट उड़ीसा साइड अभी भी ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन कोस्टल उड़ीसा में जो है तापमान नीचे गिर गए हुए मैक्सिमम तापमान। तो अभी आने वाले टाइम में भी बारिश वगैरह मौसम रहने वाला, मैक्सिमम तापमान से गर्मी से राहत ही रहने वाली है। फिलहाल सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो एक जो ट्रफ लाइन है जो नॉर्थ उड़ीसा से होती है ईस्ट विदर्भा जा रही थी, अभी वो एयरटेल सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से कोस्टल आंध्र प्रदेश की तरफ जा रही है समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर हाइट के ऊपर, जो कि हमारे गंगेटिक वेस्ट बंगाल से होती हुई और उड़ीसा के अंदर से होती हुई जा रही, जिसकी वजह से आज वेदर फिनोमेना बने रहेंगे। और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थी नॉर्थ उड़ीसा वो कमजोर पड़ गई हुई है, इसकी वजह से आज डे वन में पूरे उड़ीसा में एक दो स्थानों पे कहीं पे भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और डे वन में हम लोग थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना है, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है जिसमें कि गस्टी सर्वे विंड स्पीड 30-40 केएमपीएच रहने की संभावना है। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर, उनमें हम लोग कोस्टल उड़ीसा पूरा है और साथ में सटे हुए डिस्ट्रिक्ट जिसमें थंडरस्टॉर्म आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म की येलो वार्निंग दी गई। डे टू में जो हमारा साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा है वहाँ कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, और ऊपर जो नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा है वहाँ पर एक दो स्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 17 तारीख को जो नॉर्थ उड़ीसा में हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्वे 30-40 के बीच रहने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। 18 को पूरे उड़ीसा में स्कैटर्ड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया कि कुछ कुछ स्थानों पर बारिश जो है बढ़ेगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है। उसके बाद 18 को भी नॉर्थ उड़ीसा और कुछ साथ में सभी नुआपाड़ा बुलांगी सोनपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ जगह पे हल्की जो थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्वे विंड स्पीड 30-40 केएमपीएच रहने की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे फोर में जो 19 तारीख को है वहाँ पे वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। हमारे जो कोस्टल उड़ीसा है वहाँ पर तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी और हैवी रेनफॉल भी रहने की संभावना है 19 तारीख को। और इंटीरियर उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसमें बात करें तो हम लोग हैवी रेनफॉल की येलो वार्निंग है जिसमें 7 से 11 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होने की संभावना है, उसमें जो अनुगुल ढेंकनाल कटक नयागढ़ कंधमाल और बोध डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्वे 40-50 केएमपीएच रहने की संभावना है, उसमें मयूरभंज बालासोर भदोही जाजपुर केवंझर ढेंकनाल अनुगुल देवगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और उसके साथ में सटे हुए जो येलो वार्निंग है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ लिए। और 20 तारीख को भी जो मौसम है जो कोस्टल उड़ीसा में जो अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, बाकी जगह कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यहाँ भी नॉर्थ उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग और गस्टी सर्वे में 30-40 केएमपीएच के लिए येलो वार्निंग दी गई है। डे 6 में हमारा कोस्टल उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट और डे 7 22 तारीख को भी 21-22 को जो बारिश का प्रभाव थोड़ा कम होने की संभावना है। अगर हम बात करें टेम्परेचर फोरकास्ट करें तो टेम्परेचर में अगले 3 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है, उसके बाद में बारिश शुरू होने की संभावना है क्लाउडी स्काई रहने की। अगले 4 दिन बाद क्या होगा 3 दिन बाद जो तापमान है धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाएंगे ज्यादातर जगहों पर।